गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर जनरल एवं वाइसराय पे। सन 1772 से 1947 के बीच में जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसराय आए, उन सभी को एक आसान ट्रिक के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी ट्रिक है जो इतनी क्रेजी है कि आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं और इन सभी गवर्नर जनरल्स के नाम आपको क्रम से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे वीडियो पर चले, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि जो वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके। तो फ्रेंड्स, हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वो आज की बहुत ही क्रेजी ट्रिक है। इस ट्रिक में हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमने लिया है एक लिरिक काजी को, और दूसरा इस ट्रिक का जो खास पॉइंट है वो है एक फोर्ड कप। तो हम बता दें कि हमारी ट्रिक का जो मेन हीरो है वो है एक लिरिक काजी, और ये फोर्ड कप विनिंग या हार दोनों का ही बवाल जो है माउंट एवरेस्ट पर जाकर करते हैं। मीन्स लिरिक काजी हमारे इतने गुस्से वाले हैं कि फोर्ड कप को अगर विनिंग करते हैं या फोर्ड कप हार जाते हैं, इन दोनों ही चीज़ों का जो बवाल है वो माउंट एवरेस्ट पर जाकर करते हैं। और यहीं से एक ट्रिक निकल के आती है कि वाह वाह काजी लिरिक, आप फोर्ड कप की विनिंग एवं हार का जो बवाल है माउंट एवरेस्ट पर जाकर करते हो। और सेम टू सेम यही हमारी ट्रिक है। फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं इसमें जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर किया, इनका हमने यूज़ नहीं किया है। ये सिर्फ ट्रिक को फ्लो में लाने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। बाकी सारे ही वर्ड्स आपके लिए गवर्नर जनरल एवं वाइसराय के नामों का क्रम याद रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारी ट्रिक में, किस प्रकार हमारी ट्रिक से सारे के सारे गवर्नर जनरल और वाइसराय के नाम निकलते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी जो ट्रिक का वर्ड है वाह वाह जालिम काजी लिरिक, इससे किस प्रकार हमारी जो ट्रिक का पहला वर्ड है वाह, तो वाह से जो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल निकलता है वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 में था और इनका जो कार्य था वो था न्यायालयों की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग ही ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने न्यायालयों की स्थापना की भारत में सर्वप्रथम। इसके बाद हमारा जो ट्रिक का दूसरा वर्ड है वाह, उस वाह से निकलता है कार्नवालिस। कार्नवालिस का कार्यकाल 1793 का था और इन्होंने जो कार्य किया वो था स्थाई बंदोबस्त, मीन्स एक सिस्टम को फॉलो करने का कार्य कार्नवालिस ने किया। उसके बाद हमारा जो तीसरा वर्ड है जालिम, इसमें से जाली से हमने लिया है वेलेजली, और वेलेजली का कार्यकाल था 1798 ईस्वी में इन्होंने ज्वाइन किया और सहायक संधि का कार्य वेलेजली ने किया था। हमारी ट्रिक में जालिम का जो लास्ट वर्ड आता है लिम, और इस लिम से भी हमने एक और गवर्नर जनरल का नाम इसमें शामिल किया है, वो है विलियम बेटिक। और विलियम बेटिक का कार्यकाल 1829 का था और इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा काजी, तो मेटाकाफ का काजी से मिलता है और मेटाकाफ का कार्यकाल 1835 से शुरू हुआ और प्रेस पर प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया, तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि मेटाकाफ ही वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया। फ्रेंड्स, मेटाकाफ के बाद जो हमारी ट्रिक में अगला वर्ड है वो है काजी का ज, और ज से जो गवर्नर जनरल निकलता है वो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल 1852 का था और इन्होंने रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था की या स्थापना की इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बाद लिरिक जो हमारे ट्रिक का मेन हीरो है लिरिक, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है ल से बनता है हमारा लिटन, और लिटन का कार्यकाल था 1877 ईस्वी
दिल्ली दरबार की ने स्थापना की। इसके बाद री से बनता है हमारा रीपन। 1881 इनका कार्यकाल आरंभ हुआ और कार्य था इनका, एल्बर्ट बिल पास किया था रीपन ने, एल्बर्ट बिल रीपन के ही कार्यकाल में पास हुआ था। उसके बाद जो क आता है हमारा, क से कर्जन, और कर्जन का कार्यकाल था 1904। और इन्होंने कार्यकाल में अपने जो मुख्य कार्य किया था वो था अकाल आयोग की स्थापना। अगला हमारे जो ट्रिक का वर्ड है मान, माना, और माना से हमने लिया है मिंटो। मिंटो वर्ष 1909 में इनका कार्यकाल आरंभ हुआ और निर्वाचन विधि का इन्होंने निर्माण किया था कि किस प्रकार किसी भी चुनाव को कराया जाए या कौन सा सिस्टम हो जिससे कि चुनाव हो। इसके बाद हमारे ट्रिक में अगला वर्ड है हार, और हार से हमने हार का जो हा है इससे लिया है हार्डिंग। हार से जो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल निकला है वो है हार्डिंग। वर्ष 1911 में इनका कार्यकाल आरंभ हुआ और इनका जो मुख्य कार्यकाल में जो कार्य हुआ था वो था राजधानी दिल्ली को बना दिया गया, भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। नेक्स्ट जेम्स फोर्ड, फोर्ड कप से हमारा जो निकलता है गवर्नर जनरल वो है जेम्स फोर्ड, और 1919 में इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ और इनका कार्य में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था, रॉलेट बिल पास हुआ इन्हीं के कार्यकाल में। अगला हमारा जो ट्रिक से वर्ड निकलता है वो है विनिंग, और विनिंग में वी जो है हमारा उससे आता है हमारा इरविन। इरविन का जो कार्यकाल था वो 1931 से प्रारंभ हुआ और इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन संधि। इसके बाद है नेक्स्ट हमारी ट्रिक का वर्ड विनिंग का ग जो हमारा बचा हुआ है उसमें वेलिंगटन में आता है, और इसका जो कार्यकाल था 1932 से स्टार्ट हुआ और कम्युनल अवार्ड की स्थापना की थी वेलिंगटन गवर्नर के कार्यकाल में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी ट्रिक का जो वर्ड है वो है बेवल, और बेवल से निकलता है हमारा बेवल ही। वर्ष 1945 में इनका जो कार्यकाल आरंभ हुआ और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था शिमला सम्मेलन। बेवल के ही कार्यकाल में शिमला में सम्मेलन किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारे ट्रिक का वर्ड है वो है माउंट एवरेस्ट। तो इसमें माउंट जो है माउंट बेटेन हमारे अंतिम गवर्नर थे, सन 1947 में इनका कार्यकाल आरंभ हुआ और भारत विभाजन की महत्वपूर्ण घटना माउंट बेटेन के ही कार्यकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक के सहारे आप आसानी से सभी गवर्नर जनरल के नाम एक क्रम से याद रख सकते हैं। और ट्रिक हम आपको एक बार फिर बता दें, वाह वाह जालिम काजी लिरिक, माना हार गए फोर्ड कप, विनिंग बेवाल तुमने माउंट एवरेस्ट पर किया। इस ट्रिक के सहारे आप आसानी से सभी गवर्नर जनरल एवं वाइसराय के नाम एक क्रम से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अपने इन वीडियोस को और अधिक अच्छे से कर सके, हमारी ट्रिक में और सुधार कर सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।